कसौली में 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सनावर स्कूल जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे सेंट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉप 100 से लेकर 150 तक के प्रश्न, जो कि हमारे HPPSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं और ये कवर करते हैं HPPSC के एग्जाम्स को, HP टेट, हिमाचल प्रदेश पटवारी और एलाइड सर्विसेज के। सभी क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आगामी एग्जामों के लिए। तो आप 1-to-1 जो हैं इन क्वेश्चंस की वीडियोस को देखें और इन क्वेश्चंस को लगाएं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कौन सा दर्रा कुल्लू और कांगड़ा के बीच है? तो कांगड़ा और कुल्लू के बीच जो दर्रा है वो है दुलची। कौन सा है? दुलची दर्रा जो है वो कांगड़ा और कुल्लू के बीच स्थित है। अगला है, प्रदेश की प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम बताने हैं आपको। वो कोई भी फैक्ट्री आपसे पूछी जा सकती है कि जैसे कि अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है तो वो कहां पे है? दारला घाट सोलन में है, ठीक है जी। इसी प्रकार से ब्रह्माणा में है हमारे AC सीमेंट की है, तो ACC सीमेंट की कौन कौन सी है? देखिए, ब्रह्माणा में ACC सीमेंट की बिलासपुर में आता है, अंबुजा दारला घाट मैंने बताया, CII राजवन सिरमौर में है, सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी जो सीमेंट फैक्ट्री है बच्चों वो कौन सी है? तो वो भी आपको याद रखना है, CCI राजवन, ठीक है, सिरमौर में। और 1980 में जो ये स्थापित हुई थी, और एक हरीश है सुंदरनगर में, तो ये प्रस्तावित है, तो ये भी बन रही है। तो ये हमारी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। ऐसे दुलची और प्रजानंद गलू दर्रे कहाँ स्थित हैं? तो ये मंडी और कुल्लू के बीच में स्थित है। कहाँ पे हैं? मंडी और कुल्लू में स्थित हैं। अगला सवाल, रांझा दर्रा, शिवकिला दर्रा, कुंजुम दर्रा, तेम्पोला दर्रा, ये सारे दर्रे हैं कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? ये आपको लर्न करना है लाहौल स्पीति में। प्यारे बच्चों, कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है, ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल, कौन सा दर्रा कुल्लू में आंतरिक वो बाहरी सिराज को जोड़ता है? यानी कि कौन सा है आंतरिक सिराज का एरिया और बाहरी सिराज का एरिया? तो वो है जलोड़ी दर्रा। कौन सा है? जलोड़ी दर्रा जो है वो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। अगला सवाल है, शिगुर दर्रा और इंद्रहार दर्रा किन किन स्थानों के बीच में है? तो ये है कांगड़ा और भरमौर। इसके बीच में है कांगड़ा और भरमौर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आता है, सुप्रसिद्ध रोहतांग दर्रा किन किन जिलों को जोड़ता है? यानी कि रोहतांग अगर आप याद हो तो कुल्लू मनाली जाते हैं तो बीच में आते हैं अटल टनल, और अटल टनल के दूसरी साइड निकल जाते हैं तो वो है लाहौल स्पीति। तो मनाली जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसलिए कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। आप लर्न रख सकते हैं, दिमाग में डाल सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला है, कुल्लू की प्रसिद्ध चोटियां कौन कौन सी हैं? जो जो हैं, जैसे पिन पार्वती चोटी है, ठीक है, और श्रीखंड है, ये रहा श्रीखंड, छितियार है, उमाशिला है, परांगला है, पतालसु मेवा, ये सभी देव टिब्बा, ये सभी हैं, डीपी बोकरी पैरामिड है, ये सभी पेपर में आने वाली हैं। तो पूछेंगे क्या पेपर में कि जैसे कि मेवा कानिंदुनु ये कहाँ की है प्रसिद्ध चोटी, तो कुल्लू आंसर आ जाएगा। शितधार कहाँ की प्रसिद्ध चोटी है, तो कुल्लू आंसर आ जाएगा। यहां से कोई भी चोटियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखने। अगले सवाल है, लाहौल स्पीति की जो है, जैसे मैंने आपको बोला कुल्लू की है, वैसे लाहौल स्पीति की भी देख लीजिए, एक श्रृंगला है, मुरांगला है, हरगाणा है, शलतुदापार है, लदाब लंगला है, गेफांग गो है, मुकर बे है, शिकर बे है, सिंगलरला है, और मूल किला गेफांग है। ये जो गेफांग वगैरह जिस इस टाइप के लाल जिसमें लगा होता है, ये समझ लीजिए कि लाहौल स्पीति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला सवाल है, चोलांग चोटी, देखिए अभी से आ गया, चोलांग चोटी कहाँ पर है? तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर क्वेश्चन आते हो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए साथ साथ में आंसर दे सकते हैं। ये धौलाधार श्रृंखला पर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, चोलांग चोटी। अगला सवाल है,
मैनी रैंक चोटी कहां पर है? मैनी रैंक चोटी कहां पर है? तो ये है आपकी स्पीति में, लाहौल स्पीति में, स्पीति जगह पर जो है मैनी रैंक चोटी पाई मिलेगी आपको। अगला सवाल है, प्रदेश की सबसे बड़ा ग्लेशियर शिगड़ी जो है वो किस नदी पर है? बड़ा शिगड़ी जिसकी बात कर रहे हैं हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो वो किस नदी पर स्थित है? वो है चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर स्थित है, ये इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से किस वर्ष सबसे वर्ष बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो है चंद्रताल झील का, मतलब चंद्रताल झील जो है वो बड़ा शिगड़ी के पिघलने से बनी है, तो वो कौन से साल में बनी है? वो है सन 1936 में, प्यारे बच्चों, ये जो है चंद्रताल झील बनी है। अगला सवाल है, चंद्रा घाटी के लाहौल स्पीति क्षेत्र के सुप्रसिद्ध ग्लेशियर कौन कौन से हैं? यानी कि जैसे कि छोटा शिगड़ी हो गया, और कुलती हो गया, पाचा हो गया, बोलूनाग हो गया, और शामुद्री हो गया, ये इसके जो हैं चंद्रा घाटी के यानी कि लाहौल स्पीति में जो हैं मेन फेमस जो हैं वो ग्लेशियर हैं। अगला आ जाता है, भागा हिमनंद कहाँ पर है? जैसे चंद्रा और भागा नदियां हैं, वैसे भागा हिमनंद यानी कि हिमनंद मतलब ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर आएगा? वो आएगा आपका लाहौल स्पीति में। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। ऐसे नेक्स्ट आता है, बिलासपुर रामपुर भावा, भावानगर है ठीक है, स्थान किस घाटी पर स्थित है या कौन सी घाटी में आते हैं? तो ये आते हैं बिलासपुर यानी कि सतलुज नदी के किनारे है, सतलुज घाटी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, किस घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है सरसा घाटी। कौन सी घाटी है? सरसा घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, परमाणु बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ प्रमुख औद्योगिक शहर हैं, ये किस घाटी और किस जिले में स्थित हैं? तो ये हैं आपके सोलन में। कहाँ पर है? सोलन में सरसा घाटी, यानी कि सरसा घाटी जो है वो सोलन में है, ऐसे भी याद रखिएगा। परमाणु बद्दी जो है ये भी कौन सी घाटी में आती है? सरसा घाटी में आती है। बहुत बढ़िया से आपने ये नोट्स मेंटेन करने हैं। डगराई डकसाई होना चाहिए, डगराई लिखा है डकसाई ठीक है, स्नावर है, कसौली है, बैजा, हरिपुर, नागरी, रामशहर, ये कौन सी घाटी में है? तो ये सभी के सभी जो हैं आपके कौन से में आते हैं? सोलन वाली में ही आते हैं, यानी कि सरसा घाटी में आएंगे। कौन सी घाटी में आएंगे बेटा? सरसा घाटी में ही आएंगे। अगला सवाल, कसौली शहर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है मंकी पॉइंट, सबसे हाईएस्ट, जैसे शिमला की जाखू चोटी बोलते हैं सबसे हाई ठीक है, और डलहौजी की जो है वो काला टॉप बोलते हैं ठीक है, वैसे ही कसौली की जो है वो है मंकी पॉइंट। कौन सा है? मंकी पॉइंट बेटा। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश के किस शहर में पागल कुत्ते निरोधक वैक्सीन का निर्माण तथा सांप काटने का इलाज किया जाता है? यानी कि सांप किसी को काट जाए तो वहां पे इसका इलाज किया जाता है, पागल कुत्ता काट जाए तो उसकी वैक्सीन तैयार की जाती है, वो कौन सा जगह है? वो है कसौली। कहां पर है? कसौली में। अगला है, कसौली में 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्नावर स्कूल जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे सेंट लॉरेंस। कौन से थे? सेंट लॉरेंस थे जिन्होंने इसकी जो है स्थापना की थी स्नावर स्कूल की। सवा और जसवा दून घाटी कौन से जिले में स्थित है? यानी कि सवा और दून यानी कि ये आता है हमारा पंजाब का एरिया, यानी कि ऊना, ऊना इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। कौन सा है? ऊना। अगला सवाल है, चौंतरा घाटी यानी कि जोगिंद्रनगर के साथ बात कर रहे हैं, मंडी जिले में कहां पर स्थित है? तो मैंने आपसे पहले आंसर दे दिया है, जोगिंद्रनगर के साथ में सटा हुआ क्षेत्र है चौंतरा। तो ये बहुत ही फेमस स्थान जो कि हमारे तिप्तियन की वजह से फेमस होता है, वहां पे यूनिवर्सिटीज है उनकी। सवा घाटी कहाँ पर स्थित है, उसका मुख्य शहर कहाँ पे है? सवा घाटी यानी कि हमारे ऊना के साथ ही लग रहा है, तो ये अंब, गगरेट, दौलतपुर, अम्बोटा, मुबारकपुर, हरोली और संतोषगढ़, ये इसके मेन मेन शहर हैं जो इसके अंतर्गत यानी कि सवा घाटी में आते हैं। नेक्स्ट आता है, पब्बर घाटी कहाँ पर स्थित है?
पब्बर घाटी यानी कि पब्बर नदी के ऊपर बनी हुई है, और पब्बर घाटी जो है पब्बर नदी का नाम भी रखा गया है वहां पर। और कौन सी इसमें आता है, तो ये है हमारे रोडू में, जो कि शिमला के साथ सटा हुआ क्षेत्र है रोडू। अगला आता है पब्बर घाटी का उद्गम स्थल कौन सी चोटी से है, तो ये पब्बर घाटी जो है उसका उद्गम जो है वो चांसल चोटी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, चांसल चोटी से ये बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस है। अगला सवाल, किस घाटी को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जाता है, यानी कि कौन सी घाटी है जिसे हम अध्ययन करने के लिए तो उसको 5 भागों में डिवाइड करके हम बनाएंगे, वो है हमारी पब्बर घाटी। कौन सी घाटी है, पब्बर घाटी को ही हम 5 भागों में बांटकर स्टडी की जाती है इसकी। अगला है स्पून घाटी कहाँ पर स्थित है, तो स्पून घाटी जो है वो है बच्चों सोलन में स्थित है। कहाँ पर है, सोलन में स्थित है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही बढ़िया है। हिमाचल की जो है कौन सी घाटी बेमौसमी सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा जो बेमौसमी यानी कि जब हम अरे यहाँ पर सब्जियों का थोड़ा सा कम होता है झुकाव तो वहां पर गोभी हो जाती है, ठीक है जी, या भिंडी लग रही है, कोई अलग अलग प्रकार के जो हैं सब्जियां लग रही हैं, तो वो है हमारी स्पून घाटी। कौन सी घाटी है, स्पून घाटी इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल है कुनिहार घाटी कहाँ पर स्थित है, तो कुनिहार घाटी जो है वो सोलन में स्थित है। कुनिहार घाटी कहाँ पर है, सोलन जिले में स्थित है। अगला सवाल है अंबुजा सीमेंट प्लांट घाटी कहाँ पर है, अंबुजा सीमेंट प्लांट की घाटी कहाँ पर है, तो ये भी हमारी सोलन में आती है, गब्बर घाटी में आती है। कौन सी घाटी में आती है, गब्बर घाटी में आती है, सोलन में स्थित है अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री, ये समझ सकते हैं। स्वामी उद्योधन योग आश्रम और आयुर्वेदिक शोध संस्थान कहाँ पर है या कौन सी घाटी में है, तो ये भी इसका सही आंसर क्या रहेगा बच्चों, गब्बर घाटी। कौन सा आंसर रहेगा, गब्बर घाटी, तो ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल है कुल्लू में रूपा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है रूपा घाटी जो चांदी के खानों के लिए, किस चीज के लिए है, कुल्लू में है चांदी के खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कुल्लू के प्रसिद्ध स्थल बताइए, यानी कि कौन कौन से मेन मेन फेमस स्थान है, आपको पता है नग्गर क्योंकि रौरिक कला संग्रहालय है नग्गर में तो उसके लिए प्रसिद्ध है, हडिम्बा माता मंदिर है वहां पर तो विशिष्ट है, और राम जी का मंदिर है, अटल टनल है, ये सारे कुल्लू के प्रमुख प्रमुख घाटी में आएंगे। बल घाटी कहाँ पर स्थित है, तो बल घाटी जो है वो मंडी के सुंदर नगर में है, अभी हाल ही में वहां पर जो है बाढ़ आई थी और पानी से बहुत ज्यादा त्रासदी हुई, घरों में लोगों के पानी घुस गया, बहुत ही मतलब भयानक मतलब मंजर होता है बच्चों, ठीक है जी। अगला सवाल है बल घाटी में फल व सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत जर्मन कृषि परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई, यानी कि कौन से साल में ये बल घाटी में कृषि परियोजना के लिए जो है प्रोत्साहन दिया गया है, सन 1962 में, 1962 में जो है इसको प्रोत्साहन दिया गया था। अगला सवाल, प्रदेश के किस मंदिर में 50 ग्राम गेहूं का दाना डिबियों में सुरक्षित रखा जाता है, तो ये है मलेश्वर मंदिर है, जो कि मलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, मंडी में, कहाँ पर है, मंडी में स्थित है, तो इसका सही आंसर है। अगला सवाल है किस क्षेत्र के प्रांत कालीन भोजन को कुनिहारी, दोपहर के भोजन को दोपहरी, रात के भोज को ब्याली बोला जाता है, तो ये है इमला बिमला घाटी। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, इमला बिमला घाटी कहाँ पर है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, वो है मंडी। तो इमला बिमला घाटी में जो है सुबह के खाने को क्या बोलते हैं, कुनिहारी, दोपहर को खाने को बोलते हैं दोपहरी, और रात के खाने को बोलते हैं ब्याली, इमला बिमला घाटी। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट सवाल है बंगाल घाटी, बंगाल समझते हैं बड़ा बंगाल की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे बीड़ बिलिंग के साथ आता है, ठीक है, और तो ये किसको जोड़ता है या किसके बीच में है, तो ये है धौलाधार और पीर पंजाल दोनों के बीच में स्थित है ये हमारा श्रृंखला, जो कि बंगाल घाटी है। नेक्स्ट आ जाता है सांगला या बसपा घाटी कहाँ पर स्थित है,
सांगला घाटी जो है वो किन्नौर में स्थित है। कहाँ पे है बच्चों? किन्नौर में स्थित है। अगला सवाल, सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव यानी कि छितकुल है। बहुत से लोग जो है पर्यटक इस स्थान पर जाते हैं और वहां से सेल्फी डालते हैं, तो आप भी जाएंगे तो जरूर सेल्फी और टैग करिएगा विजयपथ के साथ। और छितकुल आप अगर आप गए हैं तो भी बताना वहां की कुछ यादें अपनी। और ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं और हम प्रीवियस सभी क्वेश्चंस को ले रहे हैं HPPSC के, कि आपके पेपरों में जो है वो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। सुप्रसिद्ध चुग शागको दर्रा जो है वो कहां पर है? ये भी सांगला यानी कि वस्पा घाटी में ही स्थित है। बहुत ही सिंपल सवाल हो रहे हैं बेटा, इससे सिंपल कुछ नहीं है, सब सिंपल है, बस आपको दिमाग में रखना है लाहौल स्पीति घाटी में स्थित सुप्रसिद्ध ताबो गोम्पा गोमा जो है वो कहां पर स्थित है, कब हुई स्थापना, कब हुई है? तो 996 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 996 में हुई है, जो कि 1000 वर्ष में हुई है। ठीक है, कब हुई है? 996। अगला है सुप्रसिद्ध पांगी घाटी कहां पर स्थित है? तो ये है चिनाब नदी के मतलब साथ में, तो किनारे पर सुप्रसिद्ध पांगी घाटी चिनाब ऐसे चंबा में आता है। काले पानी की संख्या से विख्यात घाटी कौन सी है जो कि वर्ष भर 8 महीने से लदी रहती है, बर्फ से ही भरी रहती है? वो है हमारी पांगी घाटी जो कि चंबा में स्थित है। बच्चों कहां पर है? चंबा में स्थित है। अगला है पांगी घाटी के अधिकतर निवासी किसके अनुयायी थे, किसकी पूजा करते थे? तो ये है हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों की पूजा करने वाले इस स्थान पर जो है आपको मिलेंगे। अगला है पांगी घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी किस जाति से संबंधित हैं? तो वो है मंगोलियन। कौन सी जाति के हैं? मंगोलियन जाति से जुड़े हुए हैं। कौन सी जाति से? मंगोलियन जाति से जुड़े हुए हैं। अगला है फुलहण चीणे भरसे स्यूल कोदरा तथा बजरभंग क्या हैं? ये सभी के सभी जो हैं पारंपरिक फसलें हैं। ठीक है, और ये हैं रावी घाटी की पारंपरिक हैं। यहाँ की रावी मतलब चंबा के समीप जो भी लगते हैं वहां की ये फसलें हैं। लास्ट सवाल है चंद्रा घाटी का स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? चंद्रा घाटी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ये सवाल है, वो उसे कहते हैं रंगोली। तो ये हैं हमारे आज के 50 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? अच्छे लगे ना? तो इनको आपने नोट करना है बच्चों और इनको दिमाग में डालना है, क्योंकि हमें अब कुछ करके दिखाना है। तो आप इस वीडियो में इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और भी मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा और नए से नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। आप डेली याद करें, वीडियोस को सुने देखें और बने रहें इसी चैनल पे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।